प्रिय मित्रों नमस्कार। शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त करें। आज आप लोग के आपके फरमाइश पर एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु सूर्य मंगल ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भावों में रंग से राजा बना देता है। जिसके कुंडली में लग्न में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कुशल खिलाड़ी होते हैं और जीरो से हीरो बन जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग खुद निर्माणकर्ता होते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता इनमें होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छे अच्छे विद्वानों, अच्छे सोसाइटी, अच्छे संगत को का इस्तेमाल करते हैं और नौकरी की अपेक्षा व्यवहार से अधिक कमाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा पाते हैं, अपने विद्या के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं और स्वावलंबी बचपन से ही होते हैं, माता पिता भाई बंधु समाज के सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, उद्योग में सफलता पाते हैं, नौकरी में सफलता पाते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS बनते हैं, उद्योग में भी पूर्ण सफल होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग रियल इस्टेट, जमीन संबंधी, कपड़ा संबंधी, सोना चांदी संबंधी व्यापार में अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं और सफल होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में गुरु सूर्य मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग अपने जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य पूरा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी भीख नहीं मांगते हैं, परंतु इनके पारिवारिक जीवन में विवाद बना रहता है, इच्छा अनुसार पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं होता है। ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और देश विदेश भी घूमते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम, मात्र छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक कार्यक्रम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहकर आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।